जो डायरेक्टर है वो बहुत ही मजे हुए एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर हैं, पार्थो घोष, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुपर हिट फिल्म्स उन्होंने दी है। और बप्पी दा के बारे में कुछ नई बात तो कहने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे सिंगर्स भी है, हमारे दोस्त शान ने भी गाया है, अमल मलिक जो करंट हार्ट थ्रॉब है उसने गाया है, पलक मुछल ने दो तीन गाने गाए हैं। और मेरे हिसाब से मैं भी शायद पहली बार तो नहीं, लेकिन सूफियाना गाना जो है गाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, तो बप्पी दा ने कहा उनके घर पे जाके उनके स्टूडियो में जो है गाना गाया, तो मैं पूरे टीम को जो है मेरे तरफ से शुभकामनाएं दूंगा। और ये आप सब भी जानते हैं कि फिल्म जो बॉक्स ऑफिस है वो बड़ा अजीब है, आज एक ऐसा माहौल है कि न्यू कमर्स के पिक्चर का जो है ओपनिंग्स मिलना जो है बहुत मुश्किल है, तो मैं इनको इसीलिए इनको एक्स्ट्रा लेडी लक की ज़रूरत है। मैं वो लेडी लक, वो क्या कहूँ, वो फेवर ऑफ़ दी लक जिसको कहते हैं, मैं उन्हें वो शुभकामनाएं देता हूँ कि जो मेहनत उन्होंने की है इतने महीनों में, इतने शायद एक साल से ज़्यादा उनको लगा है, और उनको एक अच्छा डायरेक्टर मिला है, अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर मिला है। आई होप दैट दे गेट द राइट रिवॉर्ड्स दैट दे डिज़र्व फॉर द फिल्म। मैं अभी आपके यहाँ पे आते आते नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में जब भी किसी को पूछे जाते हैं तो बोलते हैं वो पाइपलाइन में है, तो मेरा जो है अभी प्रोजेक्ट्स पॉलिटिकल भी होता है, म्यूजिकल भी होता है। अब रिसेंटली जो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई हामी करके, उसमें मेरा गाना नंबर वन पे काफ़ी दिन तक था, और जो अभी एक्टिंग जो है वो पहले से भी करता था, जो दूसरी फिल्म सुपर हिट हुई उमा उसमें भी बहुत मेरा एक्टिंग है, और आगे भी एक दो ऐसा होने वाले हैं। एक गाना मैं बना रहा हूँ प्रीतम के साथ मेरा, उसके साथ एक गाना बना रहा हूँ, शायद कल एक काम से मैं बॉम्बे जाऊँगा, रात को शायद वही गाना उसको गाऊँगा मैं, तो आगे देखिए। गाने जो है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, जब वो रिलीज़ होगा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लोगों को पता चले। हमारे अमृता जी जो है उनके हस्बैंड जो है महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री हो गए हैं, इसलिए वो कोई कमर्शियल पिक्चर गाना नहीं गा सकते, इस तरीके का बात करना जो है बहुत नया है। मैं समझता हूँ कि आर्ट जो है वो दिल से निकल, और मैंने खुद देखी है कि वो गाने में रियाज करने में, गाना सीखने में, और उसमें जो टाइम देना चाहिए, बप्पी दा के साथ भी उन्होंने एक दो गाने किया है, एक एल्बम भी उन्होंने रिलीज़ किया, तो मेरे हिसाब से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, और वो अच्छा गाते हैं और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्ट्रियल जो एक हैवी वेट होता है उसके वजह से उसके वेट में उनका कला जो है वो डूबना नहीं चाहिए। जैसे मैं मिनिस्ट्रियल जैकेट से अपने दिल के अंदर जो संगीत है उसे मैं बंद नहीं करना चाहता हूँ, तो आई थिंक दैट एवरीवन शुड बी अलाउड टू डू थिंग्स फ्रीली एज दे विश टू डू। फाइनल सवाल सर आपके ऊपर, 95 में वो पिक्चर में अरबी साक्षी बहुत सुपरहिट पिक्चर थी, उसमें गाना, वैसे ही गंगवार साहब का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे पॉलिटिक्स में। मैं आपको बता दूं, मेरे इलाके में जो लेबरर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं, छोटे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कई बार उनको अच्छा सुविधा नहीं मिलती है हेल्थ का, और आपको बताऊं कि इन्होंने इनकी सहायता से, इनकी सपोर्ट से और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी आसनसोल में ये सही एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट इंश्योरेंस जो है उसका एक 60 करोड़ के खर्चा के साथ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल नया बिल्डिंग वहाँ पर बनाया जा रहा है, और साहब खुद वहाँ पे गए थे उसे ओपनिंग करने के लिए, तो बड़ा संयोग की बात है। तो ये पल जो है, ये प्यार का एक, ये जो है दो पल प्यार के में हम दोनों पल हो गए, और दो बाकी दो पल दोनों तरफ में हैं, तो मैं आपको भी अनुरोध करूंगा कि आप दो शब्द करके आए फिर क्या तेरा क्या मेरा, अल्लाह अल्लाह तू तू तू, अल्लाह अल्लाह तू तू तू, फिर क्या तेरा क्या मेरा, आए फिर क्या तेरा क्या मेरा, सबका साथ सबका विकास।